I finally have this MacBook Pro at the lowest price possible. 2.5 lakh का है ये, but मेरे को 1.5 लाख में मिल गया. Well, hello everyone. Welcome to 2022. ये मेरा साल का पहला वीडियो है. I haven't been making videos for the last few months because मेरा पिछला लैपटॉप काफ़ी पुराना हो गया था एंड आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू वन. सो आई कॉट माई सेल्फ दिस M1 Pro चिप MacBook Pro. यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स अनबॉक्सिंग वीडियोज, यू नो द काइंड ऑफ फीचर्स दैट इट हैज़, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बीस्ट दैट इट इज़ ऑनलाइन. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नो दैट ऑलरेडी, बट दिस समथिंग अबाउट, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट यू नो मैकबुक लैपटॉप्स इन जनरल, बट अबाउट दिस लैपटॉप, अबाउट दिस पीस दैट यू वुडंट नो, एंड दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड हाउ आई गॉट दिस लैपटॉप फॉर माई सेल्फ. सो मेरे लिए यह लैपटॉप स्पेशल इसके परफॉर्मेंस और इसकी पावर की वजह से शायद कम है, बट इस स्टोरी की वजह से ज़्यादा है कि ये मुझे मिला कैसे. सो गिव मी अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. You will find some useful information also from this, and at the same time you will have fun. By the way, I'm able to tell you this story because ab ye mere paas aa chuka hai, and whatever I've been through in the last 2-3 months, it's all done, it's all sorted, which is why I'm in a position to tell you this story. Had it been 1.5 months or 2 months ago, I wouldn't be able to talk about this because mujhe kaafi raat neend nahi aayi hai. So it's about, इस स्टोरी में काफ़ी कैरेक्टर्स आएंगे बाय द वे, लाइक पूरा मतलब एज इफ की कोई पिक्चर चल रही है इस, एंड इट्स इट डेफिनेटली फील्स अ लिटिल अनरियल. सो दिस इज दिस लैपटॉप, दिस स्टोरी इज अबाउट मी एंड दिस मैकबुक. ओके, आई एम नॉट श्योर हाउ टू ड्रॉ एप्पल ऑन स्क्रीन, बट ओके, दिस इज माई लैपटॉप, एंड इस तक मैं पहुँचा कैसे. ओके, सो इट ऑल स्टार्टेड समवेयर अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई 2021, जब मैंने जॉब जस्ट ज्वाइन की. इट वॉज 5th जुलाई जब मेरी जॉब पहली स्टार्ट हुई, एंड आई हैड डिसाइडेड कि अब मेरा जो पिछला वाला लैपटॉप है वो काफ़ी पुराना होने लगा है, एंड आई नीड टू गेट माई सेल्फ अ न्यू वन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग. म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, वीडियोज़ बनाना हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो भी चीज़ें ट्राई करनी होती हैं सब तो होती इसी से है. सो हाउ कैन आई कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ दिस अगर मैं एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ, एंड इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू एडिट. इफ़ आई एम सिटिंग टू यू नो रिकॉर्ड सम सॉन्ग और ये एक्सपीरियंस उसका मज़ेदार नहीं आ रहा है, चीज़ें अटक रही है, देन इट्स स्पॉइल्स योर मूड, राइट? एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज नॉट एबल टू यू नो फाइंड टाइम टू मेक वीडियोज, बिकॉज एज इट इज़ जॉब है और पढ़ाना रहता है, ये सारी चीज़ों के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, इट्स इंपॉर्टेंट कि जो भी लेके बैठो वो उस टाइम में पूरा खत्म हो जाए. इफ़ इट गेट्स स्टक एंड यू नो इफ इट स्पॉइल्स द एक्सपीरियंस, देन वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो करने में मज़ा नहीं आता, विच इज़ वाई आई वॉज फुली श्योर अबाउट इट कि आई हैव टू गो फॉर अ न्यू वन, एंड आई हैव टू गो फॉर एप्पल बिकॉज दिस ऑब्वियसली अ रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यूज एप्पल बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट दे हैव. ऑब्वियसली पीपल माइट कंप्लेन अबाउट हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ और हाउ इट्स नॉट वर्थ इट, बट ट्रस्ट मी आई बीन यूजिंग दिस मशीन फॉर द लास्ट यू नो 2 weeks और समथिंग, एंड एवरी पेनी एंड एवरी पेन, एज यू विल गेट टू नो फ्रॉम द स्टोरी, एवरी पेन प्लस द पेनी दैट आई स्पेंट ऑन इट इज़ वर्थ इट. ऑल राइट, सो 5th जुलाई को सब कुछ स्टार्ट हुआ, समवेयर अराउंड जुलाई ओनली, 5th जुलाई नहीं, दैट आई नीड टू गेट माई सेल्फ अ न्यू लैपटॉप. सो मैंने पूरा रिसर्च करना स्टार्ट किया, सारा दिमाग लगाना स्टार्ट किया. उस वक्त मार्केट में केवल M1 लैपटॉप अवेलेबल था, एंड वो अपने आप में इट वॉज अ वेरी ह्यूज जंप यू नो कम्पेयर टू द काइंड ऑफ प्रोसेसर्स दैट एप्पल हैड बिफोर. सो ये मेरे लिए काफ़ी था, यू नो फॉर वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट M1 वॉज शोइंग इन ऑल द रिव्यू वीडियोज, इट वॉज वे मोर फॉर मी. बट मुझे ऐसा कहा गया, यू नो एज अ मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे बताया दैट देयर इज अ न्यू चिप दैट माइट कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो इफ यू प्लानिंग टू बाई वन यू माइट एज वेल वेट फॉर सम टाइम. सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, आई विल वेट फॉर सम टाइम, नया वाला पीस आ जाने दो फिर लूँगा. तो जुलाई से लेकर के अबाउट अक्टूबर तक मैंने सिर्फ, ऑन अक्टूबर 18th को ये
M1 Pro वाला मॉडल जो है वो निकल के आया. सो तब तक आई वॉज जस्ट डूइंग सम रिसर्च अराउंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा क्या नया आ सकता है मार्केट में एंड ऑल दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैड अ फ्रेंड. सो ये मेरे स्टोरी में पहला कैरेक्टर है जो आता है. हिज नेम इज़ आयुष. आयुष इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु वर्क्स फॉर एप्पल. एंड इफ यू गाइस डोंट नो एप्पल एम्प्लॉयज हैव एन एम्प्लॉई पर्सनल प्रोग्राम डिस्काउंट विच दे गेट वंस अ ईयर. एंड अंडर दिस डिस्काउंट दे कैन स्पॉन्सर एन आईफोन और अ मैकबुक फॉर यू एट 27% डिस्काउंट. 27% on an Apple product. You can just imagine how huge that discount is. कहीं भी नहीं मिलने वाला है इतना बड़ा discount. This is the biggest that it can get. So the thing is कि ये साल में सिर्फ एक बार मिलता है employees को. So my friend also had his for 2021. Fortunately he didn't want to buy anything. So I wanted to use his discount to buy this MacBook for myself. So I was in constant touch with him कि भाई कौन सा लैपटॉप आया है कौन सा आ सकता है कुछ इनसाइड इन्फो है तो बता. बट ऑब्वियसली ही हिमसेल्फ डिडंट हैव एनी इन्फो. एप्पल एम्प्लॉयज डू नॉट हैव हार्डली हैव एनी इन्फो रिगार्डिंग व्हाट इज़ द न्यू मैकबुक और व्हाट इज़ द न्यू प्रोडक्ट दैट्स लाइकली टू कम आउट. इट्स क्वाइट कॉन्फिडेंशियल. सो ही हैड नो आइडिया अबाउट इट. बट जब अक्टूबर 18th को ये निकल के आया देन आई वॉज फुली रेडी कि चलो ठीक है अब टाइम आ गया है अब इसको खरीदेंगे इसका डिस्काउंट लगाएंगे. So the process of the discount, as he told me, was ki you go on any registered Apple website, Apple reseller, any recognized Apple reseller like Amazon, Flipkart, ya fir koi offline store bhi jo Apple se recognized ho, you can buy it from there. So first step is to buy at full price. Okay. Next is you take your invoice, jo bhi tumhare naam pe bhi rahe to it's not a problem. Take the invoice and give it to the employee. Oh, I need to turn the board a little bit. Handwriting thodi spoil ho rahi hai. I haven't made a video in a long time, so thoda sa. Okay, third one is the employee gives it to his company and gets a reimbursement. Okay. And then this amount that he gets as the reimbursement, he gives it to you. So ye char steps involved hai इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए. सो व्हेन दिस मशीन केम आउट आई हैड डिसाइडेड कि 18 अक्टूबर को जब ये आया तो आई थॉट आई टेक द M1 Pro चिप वाला जो बेस मॉडल था वो विच इज़ क्लोज टू 1,94,000 INR एंड उसमें टैक्सेस वैक्सेस लगा के अबाउट 2,00,000 तक का पड़ता वो 2,00,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा का पड़ता. बट आई डिसाइडेड कि चलो ये वाला लेना है इस पे 27% या कुछ का डिस्काउंट लगाएंगे अगर INR में तो मेरे को काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा. एक्चुअली बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं तो आई काइंड ऑफ फॉरगॉट कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या थे. तो मैं अभी कैलकुलेटर खोल के निकाल लेता हूँ कि कितने में आता है ये मुझे. सो एनीवेज जिसकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है दे कैन पुट इट इन द कॉमेंट्स ऑल्सो. सो 1,35,000 इज़ वॉट आई वुड गेट दिस लैपटॉप फॉर इफ़ आई यूज्ड हिज डिस्काउंट. अगर 2,00,000 का हो तो थोड़ा ज़्यादा ही लगता बिकॉज 2,00,000 से ऊपर ही हो जाता आफ्टर टैक्सेस. सो ये डिसाइड हुआ था कि चलो ठीक है ये खरीदेंगे और वील गो अबाउट इट. अब क्या था कि अक्टूबर का महीना था अक्टूबर से नवंबर से दिसंबर अबाउट 2 महीने का टाइम था. एंड 2 मंथ्स में अक्टूबर 18th के आसपास आया था ये. एंड आई हैड टू बाई इट इन दिस पीरियड ओनली बिकॉज 2 to 3 months के पीरियड में ही आई हैड टू बाई इट बिकॉज ये डिस्काउंट उसका इसी साल तक वैलिड था. नेक्स्ट ईयर ही वुड गेट इट अगेन बट ही माइट वॉन्ट टू यूज इट फॉर हिमसेल्फ टू बाई एन आई फोन और समथिंग. सो इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू आस्क हिम अगेन लेटर ऑन. सो इफ आई हैड टू बाई इट आई हैड टू बाई इट विद इन दीज 3 months ओनली. तो चलो ठीक है ये डिसाइड सब कुछ हो गया. उसके बाद दिमाग थोड़ा और दौड़ाना स्टार्ट किया. एक्चुअली मेरे ऑफिस में देर वॉज 1 पर्सन उसका नाम नहीं लूँगा मैं बट ही इज़ द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. सो ही टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू गेट इट फ्रॉम अनदर कंट्री लाइक इफ़ यू लेट्स से बाई इट फ्रॉम US देन ये 2,00,000 का जो लैपटॉप इंडिया में है वो US में यू विल गेट इट फॉर सम 1,50,000 एंड इस पर इफ़ यू अप्लाई द डिस्काउंट देन इट विल कम डाउन टू सम 1,05,000 और समथिंग. आई एम नॉट श्योर ऑफ द नंबर्स राइट नाउ थोड़ा गलत भी हो सकते हैं अभी बिकॉज मैंने इसके बाद स्टोरी में काफ़ी और चेंजेस आएंगे तो बहुत सारे नंबर्स एक साथ. सो
यू सी यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. दिस इज द US प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, दिस इज द इंडिया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट. सो यू विल एंड अप सेविंग क्लोज टू 30,000 रुपीज या समथिंग. सो व्हाई डोंट यू गो फॉर गेटिंग इट फ्रॉम US. सो हम 30,000 रुपीज भाई, आई गॉट टेम्पटेड एंड आई स्टार्टेड. मेरे नेटवर्क में घुसा एंड आई यू नो जितना भी बिटसियन नेटवर्क है, जितने भी दोस्त हैं पुराने, सबसे पूछना स्टार्ट किया कौन आ रहा है भाई US से, कौन लैपटॉप लेके आ सकता है. सो आई मैसेज्ड अबाउट 4 to 5 पीपल, ऑल्दो आई न्यू मोर, बट मेरे को लगा कि ये 4 से 5 हैं जो शायद ला सकते हैं. सो दीज आर अदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी विच आर साइड कैरेक्टर्स हैं फिलहाल ये, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट रोल अगेन इन द स्टोरी. ऑल ऑफ देम यू नो, इनमें से एक दो लोगों का थोड़ा डिलेड रिप्लाई था, they didn't reply on time, and बाकी जो 3-4 थे they had some issues कि they were getting laptops for their friends, and जब भी कोई US से आ रहा होता है तो सारे रिश्तेदार पीछे पड़ ही जाते हैं कि भाई iPhone ले आओ, laptop ले आओ. So they already had stuff to carry. So all in all I took about 2 weeks of time, and 2 weeks में मेरे को कोई confirmation नहीं मिला US से. So we were already into November, November first week में हम आ चुके थे. And I just had this much time now to buy. So, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर US से नहीं मिल रहा है तो दिमाग थोड़ा और दौड़ाते हैं और कोई और कंट्री देखते हैं जहाँ पे इंडिया से कम प्राइस में. सो नेक्स्ट पहुँचे हम दुबई. दुबई में ये लैपटॉप जो इंडिया में 2 लाख का था, US में 1,50,000 का था, UAE में यानी दुबई में इट वॉज एट 1,75,000, कहीं बीच का था ये. So after discount, it would come down to 1,20,000 or something. So I would still save about 15K. If I bought it from India, I would get it at this much. If I bought it from UAE, I would get it at this rate. So still 15,000 ka thoda sa bachna ho raha tha. So I was still tempted into buying it. Obviously US jitni badi saving nahi thi, but US I was not getting response and I had to hurry up, right? Because you can see ye is period mein mujhe kharidna tha, and MacBooks these they're not readily available because नए नए आए हैं, you have to order them. कोई और अगर किसी और कंट्री से लेके आ रहा है तो you have to order, और उसके आने के पहले the laptop has to get delivered, so उतना time window लेकर चलना पड़ेगा. That is the kind of situation I was in. So फिर मैंने खोदना start किया, चलो ठीक है who is coming from Dubai. Luckily ढूंढते I found one friend, she is Ria. Ria is a close friend of mine from college. She was in Dubai, 3rd November or something is when I contacted her, and she had to come back to India on 10th November. So we had about 1 week for the laptop to get purchased from Dubai if it had to. So I contacted her and Ria happily agreed, meri madad karne ke liye wo ready ho gayi, and in fact I asked her ki agar because we can't order it online, hamare paas 1 week ka hi time hai. If the laptop doesn't get delivered within 1 week, she will not be able to take off for India with the laptop. So I decided to tell her ki kisi store se le lo. And my friend had already told me ki agar store recognized hai by Apple, then it's not a problem. So humne Dubai mein stores dhoondna start kiya. तो हमें एक मिला दुबई मॉल, दुबई मॉल में एक एप्पल का स्टोर है, एक यास मॉल है जो अबू धाबी में है. तो पहले वो दुबई मॉल में गई बट इट डिडंट वर्क आउट. सो 10th नवंबर के मॉर्निंग में शी वाज एट यास मॉल टू मेक द परचेस, एंड मैंने आयुष को कांटेक्ट किया एंड आई गॉट इट कन्फर्म फ्रॉम हिम कि हम यास मॉल से इसको ख़रीद रहे हैं, एक बार चेक कर लो कि whether the discount is applicable or not. Because discount का procedure ये है, हम पहले खरीद रहे हैं, हमें पता, उसके बाद वो उसके बाद मुझे उसको देना होगा, then he will apply for the reimbursement. So I had to be double sure कि reimburse हो जाए amount. So I just asked him about it and he gave me a store link called locate.apple.com. So he told me कि भाई अगर तेरा स्टोर इस लिंक पर अवेलेबल है देन इट विल बी एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट. तो हमने इस लिंक को खोला, इसमें यास मॉल को फिगर आउट किया, यास मॉल वाला स्टोर इसमें प्रेजेंट था. वी डिसाइडेड कि चलो सब सही है, लेट्स गो अहेड विद द परचेज. नाउ व्हेन रिया वाज मेकिंग द परचेज शी कॉल्ड मी एंड उसने मेरे से पूछा कि मैं खरीदने जा रही हूँ, कौन सा वाला एग्जैक्टली लेना है, क्या करना है. तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो मेरे को डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, Why should I go for the base model? Let me go one step ahead.
तो बेस मॉडल में क्या है कि 5GB का SSD है एंड CPU, GPU पैसे तो बहुत पावरफुल है ऑलरेडी, बहुत फाड़े अपने आप में ही है। बट आई थॉट कि चलो एक लेवल ऊपर जाते हैं, 1TB SSD ले लेते हैं और CPU, GPU भी 10 core CPU, 16 core GPU वाला और एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। तो वो लैपटॉप जो अब मैंने लिया वो इंडिया में 240,000 का था। सो मेरे को लगा 30% डिस्काउंट मिल ही रहा है तो एक ही बार तो खरीदना है, फिर दोबारा तो लेंगे नहीं, तो लेट्स मैक्स आउट। तो हमने इसको खरीद लिया, ठीक है। वी वेंट अहेड विद अ मॉडल विच वॉज ग्रेटर देन द बेस मॉडल एंड वो ले लिया, साथ में मैजिक माउस जो उसकी एसेसरी होती है एंड वो केबल कन्वर्टर सब ले लिए। टोटल मिला के या स्मॉल में 240,000 का बिल बना। एंड मेरे और रिया के बीच में डिसाइड हुआ था कि शी विल मेक द पेमेंट फर्स्ट एंड मैं इसको फिर ये पूरा कैश जो है ट्रांसफ़र कर दूंगा एंड इनवॉइस आयुष को दे दूंगा। आयुष विल गो अहेड, एप्पल में वो सबमिट करेगा, उसको इस पर डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ उसको बाय द वे मैजिक माउस और इन पर डिस्काउंट नहीं, द 27% डिस्काउंट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन मैकबुक और आईफोन। तो मैकबुक ही तो है जो मेन खर्चा तो उसी का था, 224,000 के आसपास का पड़ा वो UAE में। तो इस पर 30% लगा के जो डिस्काउंट आएगा वो 30% नहीं 27% लगा के जो भी डिस्काउंट आएगा आयुष विल सेंड इट टू मी, दैट इज़ वॉट वी हैड डिसाइडेड। सो 10th के ही इवनिंग में रिया की फ़्लाइट थी, मॉर्निंग में उसने ये ख़रीदा। मैंने परचेज होते ही जो इनवॉइस है वो आयुष को भेज दिया एंड हमारे बीच में पूरे वो हार्ट्स और ये सब एक्सचेंज हुए कि भाई थैंक यू सो मच, तेरी वजह से मैंने लैपटॉप खरीद लिया, इतने सस्ते में मिल गया मेरे को, 27% डिस्काउंट एंड ऑल दैट। फिर उसने भी मेरे को रिप्लाई में हाँ भाई मतलब नेवर माइंड एंड ऑल पूरा अच्छे से बोला। आधे घंटे के बाद अब ट्विस्ट आती है असली स्टोरी में। आधे घंटे के बाद आयुष मैसेजेस मी एंड टेल्स मी भाई लैपटॉप रिटर्न हो सकता है क्या। मेरे को लगता है हार्ट अटैक आ गया मुझे 2 मिनट के लिए, भाई क्या बोल रहा है, रिटर्न क्यों करना है, 240,000 ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं, अब क्या रिटर्न करना है। बोलता मेरे को लैपटॉप ना इस मेरे एम्प्लॉय वाले लिंक में, सो एप्पल एम्प्लॉयज़ हैव अ लिंक जिसमें दे गो दे सर्च फॉर द स्टोर और वहाँ से वो इनवॉइस लगा कर डिस्काउंट के लिए अप्लाई करते हैं। सो उसके एम्प्लॉय वाले लिंक में ये वाला स्टोर उसको नहीं दिख रहा था, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था लाइक हाउ डू यू गो अहेड विद द डिस्काउंट एंड ऑल। मेरी तो हालत ख़राब उसके बाद कि मैं एक तो ऑलरेडी मैंने महंगी चीज़ ली, उसमें भी मैंने आई वेंट मैक्स आउट इन द होप ऑफ द डिस्काउंट एंड नाउ ही इज़ टेलिंग कि डिस्काउंट हो नहीं पाएगा। तो मेरे को लगा क्या करें, पहले दिमाग शांत करना पड़ेगा, बिकॉज अगर दिमाग शांत नहीं हुआ तो हम सोच ही नहीं सकते कि करना क्या है, राइट। तो मैंने खुद को ये बोला कि चलो आई हैड डिसाइडेड कि ये लैपटॉप में जो मेरी टीचिंग मनी होती है पढ़ाने से जो मैं कमाता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन से, आई बाई दिस लैपटॉप एंड फॉर दैट मैटर एवरीथिंग दैट आई बाई, वेदर इट्स दिस लैपटॉप और ये कैमराज, ये म्यूजिक के से रिलेटेड इक्विपमेंट जो भी हो गए, एनीथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर माई हॉबी और मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का जो लॉन्ग टर्म ड्रीम है उसके लिए मैं जो भी खरीदता हूँ आई डोंट पुट माई सैलरी मनी इन टू इट, बिकॉज यू नो सैलरी मनी को मैं थोड़ा सा वो सेफ्टी परस्पेक्टिव से ट्रीट करता हूँ कि उसको इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, इसको केवल टीचिंग मनी जो आती है उसी से लेना है। सो मेरे को लगा चलो ठीक है, डिस्काउंट नहीं मिला। पहला मेरा प्लान था कि जो भी ये लैपटॉप लूँगा पूरा का पूरा इससे लूँगा, हो सकता है नाउ आई हैव टू स्पेंड 1 month ऑफ माई सैलरी, 1 month का सैलरी या 2 months जो भी मिला के सब इन्वेस्ट करके थोड़ा जमा करके खरीद लेंगे, मतलब ठीक है इतनी बुरी हालत भी नहीं है, इट्स फाइन। मतलब पहले खुद को शांत किया कि पहले मुझे नींद आए क्योंकि नींद आना स्टार्ट होगी तभी दिमाग सॉल्यूशन के लिए सोचना स्टार्ट करेगा। तो ही ट्राइड फ्रॉम हिज एंड एप्पल में मेल वेल करके, बट कुछ हुआ नहीं, डिस्काउंट हो नहीं पाया। सो फिर रिया ऑब्वियसली 10th की इवनिंग की फ्लाइट में लैपटॉप को लेकर के इंडिया वापस आ गई, बट उस रात मैंने उस इनवॉइस को पढ़ना स्टार्ट किया डिटेल में, एक एक लाइन की, कहीं कुछ फ्लॉ निकल जाए, कहीं कुछ ये निकल जाए कि मैं डिस्काउंट के लिए पकड़ लूँ। उस प्रोसेस में आई सॉ दैट द इनवॉइस हैड अ रिटर्न डेट एंड इनवॉइस का जो रिटर्न डेट था वो था 20th January 2022। आई हैड बॉट द लैपटॉप ऑन 10th November 2021 एंड द रिटर्न डेट वॉज 20th January 2022, विच मीन्स 2.5 month का विंडो था रिटर्न के लिए।
सो अगर मैं रिया को शायद उसी मॉर्निंग कॉल करके बोल देता कि भाई रिटर्न कर दो, तो शायद उसी वक्त रिटर्न हो जाता। बट अब तो लैपटॉप इंडिया आ चुका है, हाउ डू वी गो अबाउट दिस? तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया फिर, पहले आई हैड टू फर्स्ट कन्फर्म कि चलो ये जो रिटर्न डेट है इसमें कोई क्लॉज तो नहीं है, लाइक इज देयर समथिंग दैट आई शुड नो अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ लिटल अबनॉर्मल टू हैव अ रिटर्न पीरियड ऑफ 2.5 months, right? Usually when you buy an Apple product, you have like a 2-week return window. This was 2.5 months, so पहले तो इसमें कोई hidden clause नहीं, ये पता करना था। अब दुबई call लगाने का try कर रहा हूँ, मेरे phone से direct लग नहीं रहा है, तो you know I called the Apple India care और फिर उनसे बात की, उनसे फिर route करके Singapore गया call, फिर वहाँ से route करके दुबई के common center में गया, फिर वहाँ से route करके या स्मॉल के एम्प्लॉय तक पहुंचा वो कॉल। सो ऐसे घूम घूम के मैं एम्प्लॉय तक पहुंचा, वो यूएई के एक्सेंट में मेरे से बात कर रहा था, एंड आई वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग टू टॉक टू हिम, बट आई समहाउ मैनेज्ड टू कम्युनिकेट कि रिया ने परचेज करते वक्त स्टोर में एम्प्लॉय से पूछा था, स्टोर के एम्प्लॉय से पूछा था कि यहाँ पर एप्पल डिस्काउंट एप्लीकेबल है या नहीं। एम्प्लॉय ने रिया को कहा था यस द एप्पल डिस्काउंट इज एप्लीकेबल। नाउ द थिंग बींग कि आयुष ने भी कन्फर्म कर दिया था, रिया को एम्प्लॉय ने भी कन्फर्म कर दिया था, वी हैड नो रीजन्स टू नॉट बाय इट, राइट? सो आई हैड टू टॉक टू द पर्सन, द मैनेजर, एंड आई हैड टू टेल हिम कि आपके एम्प्लॉय ने क्यों बोला रिया को ऐसा कि एप्पल डिस्काउंट एप्लीकेबल है। इफ यू गाइज हैड वॉन्ट दस कि नहीं चलेगा, देन प्रॉब्ली वी वुडेंट हैव बॉर इट। सो ही एक्सप्लेन मी द प्रोसेस कि दुबई या यूएई का जो प्रोसेस है एप्पल डिस्काउंट का, that works in a different way, it doesn't work on this template. Uska template thoda alag hai, discount applicable hai but with a different template, the template being Apple employee has to be present in the store, the discount has to be applied before the purchase. Yahan par kya hai, hum purchase kar le rahe hain kahin se bhi nahi, Apple authorized jagah se hi, and then we give it to the employee and he applies for a reimbursement. But UAE mein I lost the whiteboard. Yeah. UAE में ये special specific rule है कि employee has to be in the store and discount purchase के पहले लगता है using his code which he can't share with others, right? That's Apple के policy में कि you can't share your employee code with other people. So Ayush had to be present in the store and he had to apply it to get the discount. जो employee जो रिया से बात कर रहा था store में, the employee thought कि रिया herself is an Apple employee and that's why the discount is applicable. यहाँ पर हमारा पूरा confusion resolve हुआ. But then I asked him कि ये जो return date है आपका January, where is the return date? This return date, 20th Jan 2022, is this having any clause whatsoever? Is there something that I should know about this? सो उसने बोला नो सर, नो क्लॉज वट्स एवर, इफ यू गेट द लैपटॉप, इफ इट्स नॉट ओपन, इफ योर बायोमेट्रिक्स आर नॉट पुट इन, इफ द मेमरी इज नॉट यूज, वी विल टेक इट बैक एज लॉन्ग एज यू गेट इट बिफोर द रिटर्न डेट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। पूरी तरह से ये कन्फर्म हुई पहले ये बात, एंड देन मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि इफ़ आई बाई इट फ्रॉम इंडिया, इफ़ आई बाई द बेस मॉडल फ्रॉम इंडिया, मेरे को वो बेस मॉडल मिलेगा 1,35,000 में, बेस मॉडल, राइट? And right now I have paid 2,40,000 के अराउंड, करेक्ट? सो द आई एम इन अ नेट लॉस ऑफ 2,40,000, बाय द वे मैजिक माउसर वो सब भी है, सो 2,28,000 का वो लैपटॉप है, सो रफली 70,000 के रेंज के लॉस में हूँ मैं। सो वाई डोंट आई माई सेल्फ गो टू दुबई एंड रिटर्न दैट लैपटॉप एंड कम, बिकॉज यू दुबई के जो टिकट्स हैं दे आर अबाउट, मैंने चेक किया था उस वक्त, पूरा मैंने रिसर्च कर लिया था दुबई में कि कितना पैसा लगता है आने में जाने में, सो इट वॉज अबाउट 25K फ्रॉम वन साइड, सो 25K भी नहीं था, मतलब दिल्ली से तो और सस्ता ही था, 20K के अराउंड था, तो 20 मिला के टोटल 40K, और वीज़ा का कुछ 8-10,000 समझ लो 50K, राइट? एंड मैं एक बार पहुंच गया दुबई तो कोई बिटसेंट ढूंढ के निकाल ही लूँगा मैं जिसके साथ मैं रह सकूँ, कर ही लूँगा मैं, अगर नहीं भी हो पाया तो चलो ठीक है 8-10,000 और, तभी भी 10,000-15,000 मेरे सेव ही होंगे, एटलीस्ट आई विल विजिट अनदर कंट्री एंड कम, राइट? कुछ तो हुआ इस पैसे का। सो मैंने तो पूरा प्लान कर लिया था, भाई मैं ही जा रहा हूँ अब दुबई, अब कुछ हो नहीं सकता, क्या करें, मेरा जाऊँगा दुबई में वीडियोस बनाऊँगा, यूट्यूब वीडियो मेरी पहले यही होगी कि वाई आई ट्रैवल्ड इंटरनेशनल फॉर द फर्स्ट टाइम, वाई आई ट्रैवल्ड अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज जस्ट टू रिटर्न अ लैपटॉप, ये मेरे यूट्यूब वीडियो का टाइटल भी होगा, सब डिसाइड कर लिया था मैंने।
बट मेरे को लगा चलो यार ठीक है ट्राई करते हैं, कोई और ढूंढ के निकालते हैं जो दुबई जा रहा हो, उसको लैपटॉप रिया से उसको दिलवा देंगे और उसको दुबई में पहुंचवा देंगे तो हो जाएगा। सो मैंने फिर से अपने नेटवर्क में सर घुसाया, ढूंढना स्टार्ट किया कौन है, इतने लोगों से दोस्ती है, इतने लोगों को जानता हूँ, कोई तो मिल ही जाएगा जो दुबई जा रहा होगा। सो रिया हरसेल्फ वॉज गोइंग टू दुबई, बट शी वॉज गोइंग इन डिसम्बर एंड, राइट। अब क्या है कि डिसम्बर एंड तक मुझे नींद कैसे आएगी अगर उतने दिन तक मेरे को वेट करना पड़ा तो। लकीली रियाज ब्रदर आर्यन, सो आर्यन स्टडीज इन इन दुबई, सो ही वॉज कमिंग बैक टू इंडिया 5 दिन के लिए, नवंबर 30th टू डिसम्बर 5th के विंडो में, एंड रिया वॉज ऑलरेडी बैक टू डेली विद द लैपटॉप, सो ही वॉज कमिंग, ही कुड पॉसिबली पिक दिस अप एंड टेक इट बैक टू UAE, राइट। The only issue was कि आर्यन was going to Dubai and laptop जो है वो अबू धाबी में purchase हुआ था, which is about 2.5 hours away from Dubai. So I didn't really want to, you know, trouble Riya or Aryan way too much because वो उन्होंने already मेरी मदद कर दी थी. In fact जैसा मेरे और रिया के बीच में decide हुआ था कि I will pay the amount up front because ये return होने में फिर पैसा वापस आने में time तो लगता ही. So I had decided कि इसको तो because she's helped me out, I'm not going to block her money. So ये जो पूरा amount था जो भी इसने pay किया था, मेरी बात हुई थी इससे कि दो हिस्सों में करके मैं तुम्हें दूंगा, मैंने रिया को total amount cash में transfer कर दिया as we had decided. But I still requested them कि अगर तुम लोग दुबई से अबू धाबी इसको लेके जाओ तो मेरे 70,000 के अराउंड बच सकते हैं. आई नो इट्स गोइंग टू टेक अवे 5 hours ऑफ योर टाइम इन लाइफ, बट 5 hours वर्सेस 70,000, यू नो वी नो हु द क्लियर विनर इज, सो इफ़ यू गाइज कैन हेल्प मी आउट विद दिस, और अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं खुद जा रहा हूँ अबू धाबी रिटर्न करने के लिए. एज आई टोल्ड यू गाइज, आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड बैकअप के लिए. ये तो डिसाइड हो गया कि चलो आर्यन वापस लैपटॉप ले जाएगा. अगर आर्यन दुबई से अबू धाबी नहीं ले जा सकता है तो क्या होगा? तो मैंने अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के सिबलिंग को कांटेक्ट किया दुबई में, जो ही इज़ द थर्ड कैरेक्टर, थर्ड नहीं, अब तो मैं भूल ही गया, आई थिंक चौथे या पाँचवें कैरेक्टर होंगे वो, चौथे कैरेक्टर हैं शायद. सो ही फोर्थ मेन कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम द साइड कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. So I requested Vijay Anna, the next main character in the story. He lives in Abu Dhabi, not Dubai. So Aryan was taking the laptop back to Dubai by sometime around 5th December. And he had exams until December ending. If you remember, Riya also had to go to Dubai on 30th December or something. So Vijay Anna, I requested him if he could go to Dubai for any, you know, work-related reason, and if he could go and get the laptop back to Abu Dhabi and then attempt a return, that could also help me out of the situation. So he said that he doesn't really have a plan, but in case if in case needed, he Aryan could give the laptop to one of his friends in Dubai, and then he could go and collect it from the friend and get it back to Abu Dhabi. In case needed, right? Since this is like a 2.5 hour journey, as I had already told before, not really feasible for someone to, you know, just do this. But as we know, the amount that is at stake is way too much. So after having made a plan, like Aryan going to Abu Dhabi, and then having Riya as a backup in case Aryan is not able to take it, then Riya will be able to take it by December ending, and then having a backup for a backup also, like, then I was fully convinced that we are now getting close to where we want. So here is my laptop, here it's me, the laptop came to my hands, but unfortunately out of what happened, it had to go back because I obviously wouldn't take it at full price. And after having, sorted out all this, I felt that I was now getting closer to the laptop. Maybe I'm somewhere here. Once the return is successful and everything is done, I will happily purchase another piece in India, and this time not use any brain of mine, which has got me into this particular situation. But here is the next twist in the story. If you remember, when I had contacted people in US, I told you there were 1 to 2 people who hadn't replied me on time.
One of them, my friend from US, Sadhana, she replied by November ending. It was somewhere around November 20th or something. After having made all of this Dubai return plan, and after having, you know, decided that if none of this works, I'm going to go to Dubai. In fact, everybody in my office knew about this. I used to get teased every day when I used to enter office. People used to be like, when are you going to Abu Dhabi? When are you going to get our stuff? And I used to be like, please pray that I don't have to go. Please pray that I don't have to go to Abu Dhabi. I'll have to figure out this so that I can save a lot of money. So after having sorted all this out, Sadhana messages me from US that, hey, I'm ready to get your laptop. I might not get it. I might have to unbox it, because if you get it, without unboxing, then you might have to pay customs duty and all. So I'll unbox it, but I can definitely get the laptop. And then I was like, whoa, I had decided that I'm going to take the next laptop in India. But this plan once again gets me to this number, 1,05,000 rupees, which I had to, which I had initially planned, ki if I buy from India, I'll get it at 1,35,000, the base model, but if I buy from US, I'll get it at this price. It was actually possible for me to get the laptop at this price now, right? So once again, I was tempted, but unfortunately, Sadhana had a flight. Sadhana is, by the way, the fifth or the sixth character in the story. I don't really remember, but yeah. So Sadhana had to take a flight back to Hyderabad on December 10th, right? So if I had to buy the laptop, I had to buy it right away. When Sadhana messaged me, it was November 20th, right? If you remember, Aryan had to take the laptop, the Dubai laptop, back by November 30th. You know, he would be able to take it back by December 5th. So I can't wait for the laptop to go back to Dubai, get it returned, get the money back, and then order the one in US, because Sadhana would, she would have to take a flight back to Hyderabad on December 10th. So if I had to buy it, I had to buy it now. But if you remember, I already have a MacBook which is not yet returned. So here I was in a fix altogether. And the fix was, you know, furthermore, that what if I buy the laptop now and once again the discount procedure is not taken care of? What if I buy the laptop now and once again IU says that bhai return nahi ho paye, discount nahi lag payega? Now I'll have two MacBooks at full price, which, you know, I can't even get returned now. Because if this comes back to you, if the laptop comes from US, I'll have to find somebody again who's going back to US and then take the laptop back. Lot of BT. So this time I still decided to take this risk. You know, I was like, okay, dekhenge, jo bhi hoga, hoga. I'll get one more piece, I'll sell it. I have nothing to lose. Theek hai, jawan hoon, aisa koi financial responsibility nahi hai. Paise hai, we'll figure out something. But let me give a shot at it, because agar ye US wala plan workout kar gaya, then I'll be able to get the laptop at this price if I buy the base model, which I eventually didn't. This is not a base model that I have right now. So story mein aage badhte hain. So I contacted Ayush back again and I told him ki bhai, US se meri ek friend hai, wo lane ko ready hai. Is baar tu sab kuch figure out kar aur mujhe bas ye batana ki payment kab karna hai. Main card leke ready rahunga. जब तू बोलेगा, जहाँ बोलेगा पेमेंट कर दूंगा, लेकिन पूरा तू फिगर आउट कर. सो ही वॉज लाइक कि भाई देख, यूएस से अगर है तो यूएस में वी हैव अ स्टोर, देर इज एन एम्प्लॉय ऑनलाइन स्टोर दैट दे हैव यू नो फॉर यूएस. सो हम वहाँ पर गए एम्प्लॉय ऑनलाइन स्टोर में, हमने खरीदने से पहले ही 27% का डिस्काउंट लगा दिया. इवेंचुअली आई डेंट बाई द बेस मॉडल, आई बॉट दिस वन अगेन. सो ये मेरे को 1,50,000 में मिल गया. एक्चुअल प्राइस, इंडियन प्राइस इसका आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल, 2,50,000. मेरे को कितना मिला? 1,50,000 में, आफ्टर हैविंग बॉर्ड इन US एंड आफ्टर हैविंग अप्लाइड द डिस्काउंट, राइट? सो ये तो परचेस कर लिया हमने, और ये साधना को 3-4 दिन में डिलीवर भी हो गया. बाय नवंबर 30th शी हैड द लैपटॉप एंड शी हैड स्टिल हैड 10 डेज यू नो टू टेक ऑफ. अगर कुछ गड़बड़ होती तो हम US में भी रिटर्न करवा देते. सो दिस टाइम एवरीथिंग वॉज फिगर्ड आउट. बट इफ यू रिमेंबर, द दुबई लैपटॉप, यू नो अबू धाबी वाला लैपटॉप, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, बिकॉज वो तो दिसंबर 5th को पहुंचेगा, राइट? So, you know, I was constantly behind Riya and Aryan ki bhai laptop mila ki nahi. Jab Aryan India aaya, I contacted him, I was like, laptop liya ki nahi. Sari story usko samjhai, usko ye samjhaya ki return karna kyun zaruri hai. And then December 5th ko jab uski flight thi, so if you remember this movie Baby, usme Akshay Kumar ki jo aakhri wala jo scene hota hai, jisme
ही दे गेट ऑन अ फ्लाइट एंड रॉ का जो चीफ है ही वो ऐसे वो ब्लड प्रेशर वाली मशीन लगा के कुछ ऐसे पंप कर रहा होता है कि फ्लाइट टेक ऑफ हुई है नहीं, फ्लाइट टेक ऑफ हुई है नहीं। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था डिसंबर 5th को, बिकॉज कोविड वॉज सेटिंग इन, राइट, कोविड वॉज सेटिंग इन। आई वॉज एक्सट्रीमली स्केर्ड कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो गया कहीं से तो ये दुबई वाला लैपटॉप जो अभी दिल्ली में है ये वहीं रह जाएगा, ये जा नहीं पाएगा। और मैंने ऑलरेडी दूसरा मैकबुक खरीद लिया, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू मैकबुक्स इन माई हैंड, वन एट फुल प्राइस जिसका पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ये 150,000 का जो अभी क्रेडिट कार्ड पर है बट इसका बिल जनरेट अभी होगा और उसका बिल उसकी उसके बिल का पेमेंट इसी कैश से होगा। सो दिस हैड टू गो बैक, इसका पैसा वापस आना था और उसी से इसकी पेमेंट होनी थी। दैट वॉज द प्लान, दैट वॉज द एंटायर थिंग। सो 5th डिसंबर को व्हेन आर्यन यू नो वेंट टू द एयरपोर्ट, मैंने उसको पूछा टेक ऑफ होने वाला है, हाँ ठीक है, जब लैंड कर गया तो पूछा लैंड हो गया, लैपटॉप के साथ लैंड हुआ, ही वाज लाइक हाँ भैया लैपटॉप के साथ ही लैंड हुआ। सो फाइनली डिसंबर 5th की इवनिंग को माय लैपटॉप वाज इन दुबई, राइट, इट स्टिल हैड टू रीच अबू धाबी, और अबू धाबी उसको पहुँचाने के लिए एज आई सेड विजय अन्ना वॉज द ऑप्शन एंड आर्यन हिमसेल्फ वॉज दी ऑप्शन अगर वो लास्ट में जाता डिसंबर एंड में आफ्टर अपने एग्जाम्स के बाद, या फिर रिया जाती। बट मेरे को डिसंबर 5th से डिसंबर 30th तक कैसे नींद आएगी जब तक ये लैपटॉप रिटर्न नहीं होगा, राइट, दैट वॉज द होल सिचुएशन। सो मैंने फिर से अपने नेटवर्क में जूम इन किया, एक और बंदा निकाला, ये बंदा डिसंबर 14th को लकीली दुबई से अबू धाबी जा रहा था। Who is this person? He is Aditya. Aditya also is a Bitsin, one of my college friends. I reached out to him, usko puri story batai, and probably by now he's like the 7th character if I'm not wrong. Apart from all the side characters, jinko maine itna special mention bhi nahi diya hai. So he was the final, you know, final character jo ye puri cheez ko execute karne wala tha mere liye. 14th December ko, do teen din pehle usne Aryan se laptop collect kiya. और शायद 14th के पहले ही, नॉट 14th, डिसम्बर 10th या 11th को उसने अबू धाबी गया, यास मॉल गया, मेरी सांस अटकी हुई थी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बट ही वॉज सक्सेसफुल एनफ, ही टुक द लैपटॉप, द रिटर्न वॉज सीमलेस, ही गॉट ऑल द मनी बैक। मुझे लगा जान में जान आई मेरे, दिस 240,000 एक बार में सब वापस आ गए, राइट, और मेरे को जो मेरा इनिशियल प्लान था US से 150,000 में भी मिल गया। सो इफ आई समराइज द स्टोरी, आई स्टार्टेड विथ यू नो आई वांटेड टू बाई अ बेस मॉडल इन इंडिया विथ अ प्राइस ऑफ 2 lakh और समथिंग, और डिस्काउंट के बाद एट अ प्राइस ऑफ 1,35,000। इसको दुबई से लेने के चक्कर में, 1,20,000 में लेने के चक्कर में मैंने अपने आप को 2,40,000 के रिस्क पर डाला। मुझे पता नहीं था डालते वक्त ये रिस्क है, और लाइक आई कुड हैव नॉट नोन। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में आयुष ने भी काफ़ी असिस्ट किया, लाइक ही टोल्ड मी कि भाई आराम से रिटर्न अटेम्प्ट कर, अगर रिटर्न नहीं हो पाया तो मैं तुझे अपना नेक्स्ट ईयर रिटर्न, अगर इस साल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर रिटर्न कर ले, आराम से खरीद ले, मैं अपना नेक्स्ट ईयर वाला डिस्काउंट भी दे दूंगा, बिकॉज मैंने भी अपने लिंक खोल के चेकआउट नहीं किया, राइट। सो इफ़ यू नोटिस हाउ मेनी पीपल केम टुगेदर फॉर दिस, आयुष, रिया, रियाज ब्रदर, आर्यन, विजय अन्ना, साधना एंड आदित्य, नन ऑफ देम न्यू ईच अदर ऑफ कोर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर साइड कैरेक्टर्स ऑल्सो। सो फर्स्ट आयुष ने मेरी हेल्प की डिस्काउंट दिलाने में, रिया ने हेल्प की उसको लाने में अप फ्रंट पेमेंट करके खुद, ठीक है, फिर हम एक क्राइसिस में फंसे, फिर आयुष ने फिर से हेल्प की कि मैं अपना नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट दे दूंगा, रिया ने हेल्प की इस पूरी सिचुएशन को फिगर आउट करने में, आर्यन के बारे में बताने में, आर्यन से बात करके आर्यन ने हेल्प की उसको वापस ले जाने में, विजय अन्ना वॉज रेडी टू यू नो मैनेज ऑल दिस डिजास्टर, अगर लैपटॉप पहुंच जाता एंड कुछ नहीं हो पाता तो वही रिटर्न कर देते, साधना वॉज द वन हु यू नो रीच्ड आउट फॉर हेल्प कि हाँ मैं ले आऊँगी, एंड आदित्य फाइनली ही टुक द लैपटॉप बैक। सो ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में पहले सारे लोगों ने घुस कर मेरी हेल्प की, और जब हम क्राइसिस में फंसे तो उन्हीं लोगों ने वापस घुस करके उससे कैसे निकले इसमें भी हेल्प की। इनफैक्ट टू एन लाइक जैसे मेरी कमिटमेंट थी कि रिया को जो पूरा अमाउंट है वो अपफ्रंट दे देना है, इवन आई डिडंट वांट टू बैक आउट फ्रॉम दैट, एंड प्रॉबली दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वाज यू नो अप फॉर ईच अदर, बिकॉज किसी ने भी अपना पार्ट
किसी ने भी अपना पार्ट निभाने से इनकार नहीं किया. एवरीबडी वॉज अप फॉर हेल्पिंग एंड यू नो अप फॉर द रेस्क्यू. सो जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं एंड एवरीबडी इज अप फॉर ईच अदर, मुझे लगता है कि लोग ऐसे पास आ जाते हैं थ्रू यू नो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस. उसी क्राइसिस में अगर लोग सेल्फिश हो जाएं और अपने बारे में सोचें और दूसरे के बारे में ना सोचें तो वही मोमेंट्स लोगों के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं. तो लकीली आई वॉज ऑन द फॉर्मर साइड. मेरा रिश्ता इन लोगों के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है आफ्टर दिस इंसिडेंट. आई फाइनली हैव दिस मैकबुक प्रो एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल. 2.5 लाख का है ये, बट मेरे को 1.5 लाख में मिल गया. एंड थैंकफुली मुझे अपने जॉब का एक भी पैसा नहीं लगाना पड़ा, सब कुछ टीचिंग मनी से हो गया. एंड आफ्टर हैविंग यूज्ड इट फॉर अबाउट 2-3 वीक्स, जैसे मैंने बोला, एवरी पेनी एंड एवरी पेन दैट हैव बीन थ्रू इन द लास्ट 2-3 मंथ्स हैव बीन वर्थ, बिकॉज इट्स टू गुड. यू नो इसके स्पीकर्स, इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो पावर है, इसमें मल्टीटास्किंग, जिस सारे फाड़ सॉफ्टवेयर्स एक साथ खोल दिए, उसके बाद भी लैपटॉप को जैसे कि पता ही नहीं कि हैंग करना क्या होता है. इट्स जस्ट टू गुड. सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी. आई होप यू गाइज हैड फन. अगर कुछ भी ऐसा करने का सोचो तो यू नो बी एक्सट्रीमली केयरफुल. आई वुड से आई वॉज केयरफुल, बट it still had to happen. But then thankfully I have a strong enough network which got me out of this. And yeah, that's all from my side. I know मुझे placement वाला video बनाना है, वो pending है मेरे channel पर काफ़ी time से. Now that this machine is here and the entire content is ready, I think next week में ही मैं उसको record करूँगा and it'll be up on the channel soon. So please guys, keep watching और do consider subscribing, share करना, because काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं बनाए तो YouTube की जो algorithm है वो थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट हो सकता है इन वीडियोज़ को रीच ना मिले. सो इफ़ यू गाइज इंटरैक्ट विद द वीडियोज़, अगर थोड़ा शेयर वेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो अकाउंट को पुश मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ गया है. एंड आई प्रॉमिस कि इस साल कंटेंट जो है वो रेगुलरली बनता रहेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज अच्छे प्लान्स हैं इस बार दिमाग में. एंड आई होप टू सी यू गाइज अराउंड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड सी यू गाइज. बाय बाय.